हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सेट एसेट हिंदी के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। तो यहाँ मैं आप सभी को इसके प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आप सभी को करवा दिए हैं, तो मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ क्या होगा। 120, 210, 343 या फिर 344। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की धारा 120 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 26 जनवरी को? तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पे अगर हिंदी दिवस की बात करें, भारत हिंदी दिवस की, भारत में कब मनाया जाता है, तो भारत में ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, कव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी? आचार्य भामह, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य वामन, आचार्य आनंदवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, आचार्य वामन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा से। ठीक है, और जो पद्माकर थे वो लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धस्त थे। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बिच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा गुण है, माधुर्य, ओज, प्रसाद या फिर रजोगुण? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माधुर्य गुण। ठीक है, यहाँ पे कौन सा गुण है, माधुर्य गुण। चलिए नेक्स्ट है, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। नेक्स्ट है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवन ते। नेक्स्ट है, नील सरोरुह श्याम अरुण वारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा शीर सागर शयन। नेक्स्ट है, मधुमेह बसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में? अब यहाँ पर किस में माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। यहाँ पर माधुर्य गुण का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, अभिधा, लक्षणा, प्रयोजन वाली वती लक्षणा या फिर व्यंजना? तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि सूर्य अस्त हो गया, ये सभी व्यक्ति, ये सभी लोगों के लिए क्या है, अलग अलग अर्थ इसका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने। तो यहाँ पर है, तब जाग उठे ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बल देवी पर लहू पुकार उठा था। तो अब यहाँ पूछा है कि कौन सा काव्य गुण व्यंजित है, माधुर्य, ओज, प्रसाद या फिर उपयुक्त तीनों? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ओज गुण। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया या फिर छंद प्रभाकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद सूत्र।
छंद सूत्र कह ले या फिर हम इसको छंद शास्त्र कह ले, और इसको ही हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। और यही था, चलिए नेक्स्ट है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, छप्पई, सोठा, उपेंद्र वज्र या फिर रोला। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं, 3, 7, 8 या फिर 4। तो छंद में जो है 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर पुरको तजी डारो, आठो सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। तो अब इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, सोठा, कवित या फिर सवैया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सवैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रहिए लटपट काटे दिन बरु, घामही में सोए छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। ये काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई है, सवैया, पद, कुंडलिया या फिर छप्पई। तो ये जो है कुंडलिया छंद में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो रास पंचाध्यायी में दोहा, सवैया, पद या फिर रोला। तो रास पंचाध्यायी जो है रोला छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 बारह की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है, हरि गीतिका, बरवे, रोला या फिर छप्पई। तो इसका राइट आंसर है हरि गीतिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रयोग में इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो द्रुत विलंबित में क्या होता है, 2 तगण 1 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, या फिर 1 जगण 1 तगण 1 जगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण, या फिर 1 तगण 1 भगण 2 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, या फिर 1 नगण 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 नगण 2 भगण तथा 1 रगण, ठीक है, के क्रम में 12 वर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है, अनुकूल, शठ, धीर प्रशांत या फिर दक्षिण। तो यहाँ पे धीर प्रशांत जो है ये नायक का भेद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भाव का इनमें से कौन सा समूह सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच और स्तंभ, ये जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही समूह इसका यही है, ठीक है। और ये जो है सात्विक अनुभाव जो है इनको कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है, तो 8 मानी जाती है। नेक्स्ट है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव या फिर आश्रय। तो उसको हम आश्रय कहते हैं, जिसके हृदय में भाव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या फिर हास्य रस। तो यहाँ पे इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस हमें झलक दिखाई देता है। नेक्स्ट है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव, ठीक है। नेक्स्ट है, कबहुक हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोगे, पंक्ति में कौन सा रस है, करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस या फिर शांत रस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है शांत रस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है, रोमांच, कंप, विषाद या फिर प्रलय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विषाद, ठीक है। बाकी रोमांच, कंप और प्रलय इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए,
मैंने सुना कि वह अस्वस्थ था। भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। भारत एक देश है, वह इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो। तो यहाँ में हमें इच्छावाचक वाक्य बताना है। तो देखिए, भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, ये क्या है? इच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आप कुर्सी पर बैठकर बात करें, आप कुर्सी पर बैठकर आप बात करें, कुर्सी पर बैठकर बात करें। तो यहाँ पे क्या है, विधेय जो है हमें ढूंढना है, ठीक है। तो कुर्सी पर बैठकर बात करें, ये जो है विधेय है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, इसको हमने और लगा के जोड़ा है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो वाक्य यहाँ पर कौन सा शुद्ध है? यहाँ पर आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो अशुद्ध ढूंढना है। मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। तो यहाँ पे अशुद्ध जो है कौन सा है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये बात जो है अशुद्ध है, ठीक है, बाकी सारे शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको ढूंढना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ, फूल की माला एक लाओ। अब यहाँ पर कौन सा सही है? फूलों की एक माला लाओ, ये सबसे सही है, बाकी सारे क्या है? अशुद्ध है। फिर यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य फिर से ढूंढना है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है, शहर के अच्छी होटल से अच्छी। हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है? मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया, अच्छी नहीं आएगा, अच्छे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा। अब अशुद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला कि राम ने एक किताब खरीदे, खरीदे नहीं होगा ना, खरीदी होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से अशुद्ध वाक्य है कौन सा है? कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या है? कल, आज और कल अवकाश रहेगा। तो हम बोलते हैं कि कल, आज और परसों क्या है? अवकाश रहेगा, यहाँ पे कल नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है, भाई के आते ही वह चला गया, वाक्य प्रकार बताइए। किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त मिश्र, संयुक्त सरल मिश्र, कौन सा वाक्य है ये? ये एक सरल वाक्य है, ठीक है, भाई के आते ही वह चला गया, ये सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फिर यहाँ आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है, ठीक है। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, यही शुद्ध है, बाकी जो है सारे हमें अशुद्ध मिल रहे हैं, अनेकों नहीं आएगा, दादी का प्राण नहीं निकल गया, दादी के 4 आदमी के लिए खाना बनाओ, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, ठीक है। नेक्स्ट है, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो रचना के अनुसार जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, यही होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सब दिन होत न एक समाना, लोक्ति का अर्थ क्या है? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना श्रेयकर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा
समय परिवर्तनशील है कि समय सब दिन होत ना एक समाना। ठीक है, नेक्स्ट है, 9 दिन चले 250 कोस, इसका क्या तत्पर है? 9 दिन में 250 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। नेक्स्ट है, हाथ डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकतिक कही जाती है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, आगे नाथ न पीछे पगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, आँख कहाँ अंधा, नाम नयन सुख। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर, तो आगे नाथ न पीछे पगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? डर से कांपना, तंग आना, पस्त करना, तालू में दांत जमना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालू में दांत जमना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस लोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ी गई हो, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो जगह वह स्त्री, देखिए परित्य, त्य मीन्स त्यागना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा त्यागता, यानी जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर लोकति का सही अर्थ ढूंढना है। अब की अब, जब की जब के साथ, जीवन में विपत्ति सब पर आती है, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, थोड़े दिन की शान शौकत, या फिर सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदा वर्तमान की, अब की अब, जब की जब, यानी सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मुहावरा है, सावन हरे न भादो सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो का, चिराग तले अंधेरा। अब इनमें से मुहावरा कौन सा है? तो भाड़े का टट्टू, बाकी सारे जो है लोकति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कर्मधारय, द्विगु, अव्यय भाव, या फिर तत्पुरुष। अब यहाँ पर संख्या आ रही है, पंचवटी संख्या आ रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? द्विगु समास आ जाएगा। नेक्स्ट है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि और लाभ एक दूसरे के क्या हो गए? उल्टे हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, हानि और लाभ। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा, महान है जो, आत्मा है जो आ गया, तो वहाँ पे आ जाएगा कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणहीन शब्द में समास है, तो गुणहीन में कौन सा समास है? द्वंद, तत्पुरुष, कर्मधारय, या फिर अव्यय भाव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, गुणों से हीन। तो नेक्स्ट है, यथा संभव में समास है, अव्यय भाव, द्विगु, द्वंद, या फिर तत्पुरुष। अब यहाँ शब्द आ रहा है यथा, तो यथा आ रहा है तो क्या आ जाएगा? अव्यय भाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धर्म बुद्धि में समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, या फिर द्वंद। धर्म बुद्धि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास का विकल्प है, मुरलीधर, मुरलीधर, मुरलीधर का क्या आएगा? मुरली धारण करना, करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण, या मुरली और धारक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मुरली को धारण करने वाला आ जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण, मुरलीधर का तात्पर्य ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, चंद्रशेखरा, चक्रपाणी, चंद्रकांति, या फिर राजपुरुष। तो यहाँ पे देखिए, जो राजपुरुष है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, चंद्रशेखर ये आ जाएगा आपका। अब राजपुरुष जो है इसका तात्पर्य क्या होता है? राजा का पुरुष। ठीक है, तो राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो यहाँ पे कौन सा समास आ गया हमारा? तत्पुरुष समास। ठीक है,
और बाकी देखिए चंद्रशेखर, चंद्र है चंद्र शेखर, यानी जिसके शिखर पर क्या हो, चंद्र हो, और चंद्र किसके शिखर पर है, शिव के, भगवान शिव के, ठीक है। चक्रपाणि, जिन्हें चक्र को धारण किया है, चक्र किसने धारण किया है, भगवान विष्णु ने। महा ये फिर है आपका चंद्रकांति, ये चंद्रकांति भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अपीक्षते। तो देखिए चंद्र को धारण करने वाला, चंद्रमा को किसने धारण किया है, वो भी आ जाएगा शिव ने। चलिए नेक्स्ट है अपीक्षते का संधि विच्छेद है, अपीक्षते अपीक्षते अपीक्षते, यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपि जमा इक्षते, ठीक है। और नेक्स्ट है कि संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, तो यहाँ पर यण संधि में जो है य र ल व में इसका परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, सत्य जमा शिव सचिव, नेक्स्ट है पितृ जमा उपदेश पितृपदेश, नेक्स्ट है सत्य जमा धर्म सधर्म, फिर है सत्य जमा मार्ग सदमार्ग, तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो गलत है, क्योंकि सदमार्ग नहीं होता, ये सन मार्ग हो जाता है, ठीक है, त का नाम में परिवर्तन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा दिगंबर, अब दिगंबर में आपको इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिक जमा अंबर, यही होता है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाउर्मी, इसका क्या हो जाएगा, महोर्मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मतैक्य में कौन सी संधि है, तो मतैक्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। निम्न में कौन मात्रिक छंद है, दोहा चौपाई रोला या फिर ये सभी, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा ये सभी, ठीक है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, तो छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वो है छंद शास्त्र, इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो यहाँ में छंद बताना है, तो 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला वार्तिक छंद है, या फिर 10-10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वर्णिक छंद है, 13-13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला वार्णिक छंद है, या फिर 15-15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला छंद है, तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो है 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अब देख सकते हैं क्या है, हम जो कुछ दे, हम ये आ गया, फिर जो में क्या आ गया, लघु दीर्घ गुरु आ गया, फिर यहाँ पे फिर क्या आ गया, ये भी लघु है, ये भी लघु है, फिर यहाँ पे ये भी क्या है, तो ये जो है हमारा ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीर्घ आ गया, ये लघु आ गया, फिर ये लघु आ गया, और फिर ये दीर्घ आ गया, ये भी दीर्घ बोल दो, लघु बोल दो, एक दीर्घ बोल दो, गुरु बोल दो, एक ही बात है। फिर देखिए सुंदर, यहाँ पे ये आ गया, फिर है के लिए क्या आएगा, दो मात्रा हो गई, तो यहाँ पे आ गया हमारा, फिर है सत्य, यहाँ पे मात्रा ये आ गई, दोनों लघु, फिर नाम में लघु आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा दीर्घ, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। कंप्लीट कर दूँ तो देखिए ये तीनों छोटे, फिर यहाँ पर ये बड़ा है, ये फिर छोटा है, फिर यहाँ पर बड़ा है, फिर ऐसे करके जब आप कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो यही आएगा। चलिए मैं तो इसको कंप्लीट कर रही हूँ, फिर यहाँ पर शिवत्व यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका है यहाँ पर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, और इसमें क्या आंसर आ जाएगा इसका, हमने ये बता दिया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, आप निसंकोच होकर चले जाओ। इसमें जो है कौन सा वाक्य सही है? तुम निसंकोच चले जाइए, ये गलत है। आप निसंकोच चले जाओ, आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया है। अब यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है? हम लोग आपका आभार मानते हैं, तो यहाँ पर जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि हम आपका आभार मानते हैं, लोग कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय और विधेय सूचक, तो क्या रहता है? कर्ता विस्तार जो है इसमें रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? आशीष, तुम अपनी पढ़ाई करो। अब यहाँ पे किस तरीके का वाक्य है? विस्मयादि बोधक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है या फिर विधिवाचक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ये एक आज्ञावाचक है। आशीष, तुम अपनी पढ़ाई करो, आज्ञा दे रहे। नेक्स्ट है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? जब समास के पदों को हम अलग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विग्रह कहलाते हैं, ना कि विच्छेद कहलाएंगे, विभक्ति या बदलाव नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो दोनों की प्रधानता होती है वो होता है द्वंद्व समास, ठीक है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, ठीक है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुष क्या है? पुरुषोत्तम, तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। पुरुषों में उत्तम, यही हो गया, पुरुषोत्तम में आ गया तो तत्पुरुष। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, यहाँ पे कौन सा आएगा? अव्ययी भाव, अनु शब्द आ गया, ठीक है, रूप में अनु जुड़ गया, ठीक है। सधर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सधर्म क्या आ जाएगा? सत जमा धर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्यवहार का संधि विच्छेद होगा, तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जमा अव जमा हार। नेक्स्ट है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा सू जमा उक्ति। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, संधि में समास होता है, संधि का अर्थ है अलगाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संधि जो है किससे होती है? संधि जो है अक्षरों को मिलाकर जो है सार्थक शब्द बनाती है, निरर्थक अक्षरों को नहीं। यहाँ पे क्या है? निरर्थक अक्षरों को, तो यहाँ पे निरर्थक नहीं है, तो संधि में सार्थक अक्षर होते हैं, ठीक है ना, सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक उचित वाक्य चुनें। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? प्रारूप, मसौदा, विधेयक या फिर प्रश्नोत्तर, तो ये कहलाता है विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए, तो यहाँ पर विजातीय क्या हो जाएगा? कॉफ़ी, चाय, दूध, भात, तो भात जो है यहाँ पे विजातीय हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए भात क्या है? खाने वाली पदार्थ है, लेकिन कॉफ़ी, चाय, दूध यह है पीने वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो शरीर का जो संबंध आत्मा से है, शब्द का संबंध किससे है, ठीक है।
तो शब्द का संबंध उसी प्रकार से अर्थ से है। नेक्स्ट है अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में या सामान्य पत्र के रूप में। तो ये जो है सरकारी गजट पत्रिका में प्रकाशित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना या फिर दिल्ली। तो ये स्थित है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से महिसुर शब्द का अर्थ है, पृथ्वी का अक्षर, महिषासुर, राक्षस या फिर ब्राह्मण। तो महिसुर का जो अर्थ होता है वो होता है ब्राह्मण। नेक्स्ट है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होगा, तो अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, ठीक है। वहीं पे बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट का तात्पर्य होता है कथन, एंडोर्समेंट का होता है पुष्टि, और एनक्लोज्ड का, एनक्लोज्ड जो है इसका तात्पर्य होता है हमारा संलग्न, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो गया आपका कथन, फिर हो गया एनक्लोज्ड यानी कि संलग्न, और एंडोर्समेंट हो गया आपका पुष्टि या पृष्ठांकन, ठीक है। नेक्स्ट है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो जो भाव अल्पकाल तक रहते हैं उनको हम संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पर भाववाच्य का उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट है राम से पत्र लिखे गए, ये किस प्रकार का वाच्य है, कर्तृ कर्म भाव या फिर कर्तृ कर्म वाच्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम ने पत्र लिखे, राम से पत्र लिखे गए। अब ये जो है कर्म वाच्य है, ठीक है, कर्म करवाया गया, ठीक है। कर्तृवाच्य का वाक्य बताए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला गया, छात्र द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये कर्तृ है, ठीक है। राम द्वारा रावण को मारा गया, ये क्या है, कर्म है, ठीक है। और फिर है आज टहलने चला गया, ये भी जो है आपका ये नहीं आएगा। और ये है कि छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, तो छात्रों द्वारा क्या है, कर्म किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ बिना कार्य कारण की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालती, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है, पापी मनुज भी राम नाम निकाल रहे हैं तो विरोधाभास है। चलिए नेक्स्ट है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अब इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है, बहुत मन मेरा मन मयूर, तो मावर्ण की आवृत्ति हो रही है, मेरा मन मयूर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि मेरा मन मयूर, मन को क्या बताया गया है, मयूर के समान बताया गया है, मनूर मयूर होने का आरोप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप, ठीक है। नेक्स्ट है हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार क्या होता है, तो उपमा अलंकार क्या होता है, भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन, एक ही पदार्थ का सादृश्य प्रतिपादन, प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म संबंध बताना, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भिन्न पदार्थों का सादृश्य
प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है अर्थालंकार की संख्या कितनी है, तो अर्थालंकार कितने हैं, ये कुल 45 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। नेक्स्ट है संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए, तो संक्षेपण में भाषा जो है कठिन नहीं होना चाहिए बल्कि आसान स्पष्ट होना चाहिए। तो ये थी आपके 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट 3 की। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।